नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स एकेडमी पर। तो चलिए, आज का सेशन जो यहां पे मैं लेके आया हूं, आजकल ये बहुत ही करंट का इशू है, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा इससे बना हुआ है। और वो स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है या सिविक्स है, जिससे वो तैयारी कर रहे हैं TGT, PGT, LT या GIC या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा माने रखता है ये टॉपिक, क्योंकि ये आपके संविधान से जुड़ा हुआ है। और मैं एक बार हमेशा कहता हूँ एक बात आप लोगों से, आज फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपका सब्जेक्ट कोई ऐसा है जिसका संबंध करंट से होता है, यानी करंट में जो मुद्दे उठते हैं उससे जुड़ा हुआ होता है, तो आप उन करंट से जुड़े हुए मुद्दों को, उस पहलू को ध्यान से देखा करिए, जरूर समझा करिए। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी, जो अघाड़ी सरकार थी, वो चली जा चुकी है और वहाँ पे अब दूसरी सरकार आ चुकी है, भाजपा समर्थित है, जो शिवसेना के विधायक थे, शिंदे साहब वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। तो बहुत से विधायकों ने अपना दल बदला है, शिवसेना छोड़ करके उन्होंने क्या किया है, अलग से अपनी सरकार बना ली है भाजपा के साथ मिल करके। दूसरा पहलू अगर आप देख रहे होंगे, बिहार में इस समय जो चल रहा है, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जो 5 विधायक बिहार की विधानसभा में चुनाव जीत कर पहुंचे थे, उन 5 विधायकों में से 4 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने राजद पार्टी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो एक राजनीतिक भूचाल आ चुका है। राजनीतिक भूचाल आने का मतलब क्या होता है, ये हो चुका है कि जहां बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की 4 विधायकों ने तेजस्वी की पार्टी ज्वाइन कर ली, तो तेजस्वी इतने बहुमत में आ चुके हैं कि सिंगल पार्टी के बिहाफ पे वो पूरे प्रदेश में बहुमत में हैं। जी हाँ, पूरे प्रदेश में क्या है, बहुमत में है सिंगल पार्टी के बिहाफ पे। जब इलेक्शन हुए विधानसभा के, तो वहां पे उन्होंने क्या किया था, 76 सीटें प्राप्त की थी। अब उनकी सीटों की संख्या जो हो चुकी है 80 हो चुकी है, यानी इकलौती ऐसी विधायक है जो अकेले बहुमत में है, अकेले दम पे बहुमत में है, ठीक है। लेकिन एक जो आंकड़ा होता है बहुमत प्राप्त करने का, जो कि बिहार की विधानसभा में है, 122 सीटें यहाँ पे पानी होती हैं, उस आंकड़े से अभी भी तेजस्वी और उसके जो गठबंधन सहयोगी पार्टी हैं, अगर देखा जाए तो अभी भी 6 सीट दूर हैं। तो क्या वहाँ पे एक राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है, महाराष्ट्र में क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, हो जो हो चुकी हैं, तो नया अध्यक्ष कौन बना, CM कौन बना, Deputy CM, उपाध्यक्ष कौन बना, इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो दल बदल की प्रक्रिया हो रही है, एक दल बदल करके दूसरे दल में लोग चले जा रहे हैं, कि दल बदल हो रहे हैं, पार्टी एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, क्या इससे संबंधित कोई कानून है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, अगर हो सकती है कार्रवाई तो कौन ले सकता है उसके खिलाफ एक्शन, क्या प्रोसीजर है, आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। क्योंकि जो भी छात्र TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो TGT में इंटरव्यू नहीं है, लेकिन वहाँ सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, यहाँ से करंट के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं कि महाराष्ट्र का नया CM कौन बना, ठीक है, तमाम चीज़ें पूछ सकते हैं, अध्यक्ष कौन बना वहाँ विधानसभा का, या कुछ भी पूछ सकते हैं। PGT में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहाँ से दल बदल विरोधी कानून क्या है, संविधान के किस अनुसूची किस भाग में है, पहली बार एक्टिव मोड में कब आया, उस समय जब पहली बार ये बना देश का प्रधानमंत्री कौन था, आपके नज़रिए से क्या एक्शन होना चाहिए, तमाम ऐसे प्रश्न PGT के इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि करंट का मुद्दा है और आपके संविधान से जुड़ा है, आपके सब्जेक्ट से जुड़ा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा, एक बार सभी लोगों से यहाँ पे दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो आप लोगों से सविनय निवेदन करता हूँ, मैं काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जहाँ तक कर सकें आप लोग। और दूसरी बात, जो भी छात्र यहाँ पे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT की जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी छात्र हैं, चाहे वो TGT PGT कर रहे हों, चाहे LT की तैयारी कर रहे हों, सब्जेक्ट उनका सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस है, तो हमारी संस्था के नंबर पे 96 28 95 92 37 इस नंबर पे, और दूसरा नंबर है 83 18 48 92 91 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि संस्था ने जो बैच अभी स्टार्ट किया है TGT PGT का, उस पर 70% का छूट चल रहा है। इसमें आपको पर डे लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको PDF नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे और प्रैक्टिस सेशन भी आपका चलेगा।
ठीक है। तो जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं संस्था पे कॉल के माध्यम से करके आप जुड़ सकते हैं। नहीं लग रहा है कॉल तो व्हाट्सअप करिए नंबर पे 9628 वाले पे अपना अपना कोर्स सब्जेक्ट और एडमिशन लिख करके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। दल बदल से संबंधित जो कानून है उसके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ अगर बताएं, दल बदल की घटनाएँ जो होती हैं ये बहुत ही बड़ी समस्या होती है, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ दल बदल की बातें। दौर चल रहा था उस समय 1967 का, 1967 का वो टाइम था जब इतिहास में से घटनाएं बहुत तेज उठी कि कांग्रेस ने क्या किया, कई राज्यों में चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गई। तो जो उनके जीते हुए विधायक थे 1967 में, उनके जीते हुए जो विधायक थे वो अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने अपने लालच में कह सकते हैं, सुविधा में कह सकते हैं, या बड़ा पद पाने की इच्छा कह सकते हैं, किसी भी लालच की इच्छा में वो अपनी पार्टी छोड़ करके, कांग्रेस पार्टी छोड़ के लगातार अन्य पार्टियां ज्वाइन कर रहे थे। जिधर से अच्छा ऑफर मिलता वो उधर ही क्या होते खिसक जाते थे। ये चीज़ बहुत देखने को मिली थी। और 1960 से लेकर के 1967 तक 60 से 67 के बीच में बहुत चीज़ें ये हो रही थी, लगातार उथल पुथल मची हुई थी, हर जगह ये चीज़ें देखने को मिल रही थी। फिर हद तो तब हो गई थी जब 1967 में हरियाणा के एक एमएलए थे, हरियाणा से एक एमएलए साहब थे, जिन्होंने क्या किया, एक दिन में तीन बार अपनी पार्टी बदली थी, उन्होंने सोचिए एक ही दिन में तीन बार उन्हें अपनी पार्टी क्या कर दी, चेंज कर ली। ये तो हद हो गई थी और ये बहुत चिंता का विषय आया, ठीक है। तो 1970 के दशक में उमा शंकर दीक्षित और शांति भूषण, ये दो नाम आते हैं, उमा शंकर दीक्षित और शांति भूषण के नेतृत्व में ये जो समस्याएं आ रही थी कि दल को बदल ले रहे हैं लोग, लालच में आकर के ये सब काम कर ले रहे हैं, इसकी समस्या का निदान तलाशने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी सफलता दूर दूर तक इनको हाथ नहीं लग रही थी। दौर उस समय था, फिर दौर आया 1985 का, पीएम थे हमारे देश में उस समय राजीव गांधी जी, की सरकार थी। इन्होंने क्या किया, 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, किसके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा ये पास हुआ, 52वां संवैधानिक संशोधन, ये कि यहाँ पे 1900 जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा 1985 की बात है, तो 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, एक कानून बना क्या, कि सांसदों और विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में परिवर्तन के आधार पर डिसक्वालिफिकेशन के प्रावधान किया गया कि इनको अयोग्य कर दिया जाएगा। कब लाया गया, पहला क्वेश्चन 52वें संवैधानिक संशोधन 1985, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में करंट से बन सकता है, हालांकि बहुत पहले से रहा है ये, लेकिन ये करंट से बन सकता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन जो बनेगा। और जब ये 52वां संवैधानिक संशोधन लाया गया, इसके अनुसार संविधान के चार अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 और 191 ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट लगाइए, ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपके पीजीटी टीजीटी पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है। कौन कौन सा आर्टिकल, 101, 102, 190, 191, ये अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया, और साथ ही साथ क्या किया गया, संविधान में एक नई अनुसूची ऐड की गई जिसका नाम रखा गया, जो अनुसूची जो थी वो कौन सी थी, 10वीं अनुसूची, ठीक है, 10वीं अनुसूची जो है ये संविधान में रखी गई, और इसमें क्या रखा गया, इस अधिनियम को क्या बताया गया, दल बदल कानून बताया गया, और 10वीं अनुसूची में इसी दल बदल कानून के बारे में बताने का काम जो है किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आपका है, आर्टिकल नंबर 102, आर्टिकल नंबर 102 और 191, 102 और 191, अनुच्छेद 102 के दो में और अनुच्छेद 191 के दो में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसमें क्या किया गया,
इसमें यह प्रावधान किया गया और दसवीं अनुसूची से संबंधित है ये अनुच्छेद 102 का दूसरा, 191 का दूसरा, संविधान की दसवीं अनुसूची से इनका सीधा सीधा संबंध है। और इसमें प्रावधान किया गया जिसमें क्या किया गया, सांसदों और विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है। क्या प्रावधान है, सांसदों और विधायकों को, यानी चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे आप एमएलए हैं, विधायक हैं, तो उनको अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया गया कि आप दल बदल का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको अयोग्य घोषित करने का काम जो है किया जाता है। स्वागत है आप दीपन को जी, ये बात यहाँ बताने का काम किया गया। अब ये दल बदल कानून जो दसवीं अनुसूची में बताया गया है और इसका संबंध 101, 102, 190, 191 उसमें भी सबसे खास 102 का दूसरा, 191 के दूसरे से है, ठीक है। इसमें क्या चीज़ें थी, इसमें कौन सी बातें थी दल बदल कानून में, हम चलिए उन मुद्दों में बात करते हैं। दल बदल कानून के अगर प्रावधान की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, दल बदल कानून के प्रावधान, क्या ये दल बदल कानून के क्या प्रावधान हैं, क्या इससे बातें लिखी हैं दल बदल कानून को लेकर के, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार के वीडियो को शेयर कर दीजिए। दल बदल कानून की अगर हम बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि किस आधार पर अयोग्य बताया जाएगा, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि संसद हो चाहे राज्य का विधानमंडल हो, कोई भी अगर सदस्य निर्वाचित होता है, ठीक है, किसी भी राजनीतिक दल के रूप में अगर निर्वाचित होता है कि कोई बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई सपा से है, कोई बसपा से है, कोई शिवसेना से है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य हो सकता है, उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, यदि वह स्वेच्छा से जिस राजनीतिक दल से है उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे। पहला तो ये हो गया कि किसी भी एमएलए एमपी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वो स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता वो छोड़ देता है, तो उसे अयोग्य जो है घोषित किया जा सकता है। दूसरा, अगर सदन में वोटिंग चल रही है, ठीक है, अगर सदन में मतदान चल रहा है, सदन में किसी मुद्दे पे वोटिंग चल रही है और वो अपने जिस दल से है वो अपने राजनीतिक दल के विपरीत जाके अगर मत देता है अपना वोट देता है, तो उस आधार पे उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यानी अगर किसी दल से वो संबंधित है और उसने अगर अपने जिस दल से है उस दल का ये निर्देश है, उसके अध्यक्ष का ये निर्देश है कि आप इस पक्ष में या विपक्ष में वोटिंग करना है, उनके अगेंस्ट जाकर के अगर वो वोटिंग करता है तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है, इसके लिए होता है। और अयोग्य घोषित कर सकते हैं और साथ ही साथ तब भी तुरंत नहीं घोषित करेंगे, एक टाइम ड्यूरेशन नियर अबाउट बताया जाता है 15 दिन का, कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर उसने उनसे क्षमा मांग ली है, ठीक है, अगर उसने क्षमा मांग ली है उसने 15 दिन के अंदर अंदर कि सर क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, हम ऐसा कर दिए और पार्टी ने उनको माफ़ी कर दिया, चलो ठीक है हम तो माफ़ कर देते हैं, ठीक है, तब भी वो बच सकते हैं। लेकिन अगर वो क्षमा नहीं मांगते हैं, वो क्षमादान उनको पार्टी से नहीं मिलता है, दल उनको माफ़ नहीं करता है, तो वो अयोग्य घोषित हो सकते हैं। नहीं, असम लैंग्वेज हमको नहीं आती मित्र, यहाँ पे संजय सिंह जी स्वागत है आपका, ठीक है। तो ये दो बातें कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ बताएं कि कोई सदस्य जो किसी दल के टिकट पर चुनाव लड़ता है उसी दल का सदस्य बने रहना चाहिए, दल के निर्देशों का पालन करना चाहिए, नहीं तो उसकी सदस्यता क्या हो सकती है, जा सकती है। अब दिमाग में क्वेश्चन उठ जाता है, यार ये तो उन लोगों के लिए है जो किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन सदन में ऐसे भी विधायक, ऐसे भी सांसद पहुँचते हैं जो निर्दलीय होते हैं, आप जानते हो ना, ऐसे भी सीधा विधायक या सांसद होते हैं जो क्या होते हैं, जो कि निर्दलीय होते हैं, और एक ऐसे भी होते हैं जो मनोनीत होते हैं, तो क्या इनकी सदस्यता भी जा सकती है, क्या इनकी सदस्यता भी समाप्त हो सकती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये भी एक प्रश्न आता है, नॉर्मली तो हम समझ लेते हैं कि इस पार्टी से हैं, उस पार्टी में चले गए और समाप्त हो सकता है। नमस्कार कुंवर सिंह जी,
ठीक है, हो सकता है, लेकिन क्या ये चीजें भी हो सकती है कि जो सदस्य निर्दलीय चुनाव लड़े हैं अगर वो भी दल ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी कोई दल ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ अलग कर लेते हैं, तो क्या उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है? तो इसके बारे में अगर बताऊं मैं आपको, इसके क्लास टाइमिंग उमादी भी 3 बजे से ही है, ठीक है। अगर उसकी बारे में मैं आपको, 3 बजे से 4 बजे तक पेड क्लासेस होती है जो छात्र एडमिशन लिए होते हैं उनके लिए होता है, और उसके बाद जो है 4 से 5 उनकी क्लासेस होती हैं, जो लोग जो हैं पब्लिक क्लास होती है, प्रैक्टिस सेशन को लेकर मैं आता हूँ, ठीक। तो राजनीतिक दल में इनकी क्या योग्यता हो, इनके इनके खिलाफ कैसे एक्शन लिया जाएगा? देखिए, निर्दलीय सदस्य की बात करें तो उनको भी अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वो चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो ये होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर निर्दलीय चुनाव जीतता है, किसी भी दल से नहीं होता, ठीक है, किसी भी दल से नहीं होता, तो वहां पे क्या होता है, चुनाव लड़ने के बाद जब वो निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, चाहे वो सांसद चुने गए हों, चाहे वो विधायक चुने गए हों, इतमीन्स चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में मेंबर हों संसद के, या फिर यहाँ पे विधानमंडल के, या फिर विधायक हैं जिसे हम बोलते हैं, तो उनके अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, किसी दल से नहीं है, चुनाव जीत के पहुँचे हैं, उसके बाद वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनकी सदस्यता वहाँ पे जा सकती है, उनकी सदस्यता उनकी समाप्त हो सकती है। ये तो होता है निर्दलीय के लिए। अब यह आता है कि भाई मनोनीत के खिलाफ भी क्या कोई ऐसा एक्शन हो सकता है? तो जी हाँ, मनोनीत के खिलाफ भी होता है, ठीक है। मनोनीत खिलाफ क्या होता है कि संसद अथवा राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य जो मनोनीत होता है, ठीक है, और जब वो संसद का हो चाहे विधानमंडल का हो, जब वो सदस्य मनोनीत होता है और उसका मनोनीत होने के समय वो किसी भी राजनीतिक दल से बिलोंग नहीं करता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, और अपना स्थान जब वो ग्रहण करता है सदन में, उसकी तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले, जिस दिन वो मनोनीत होता है, मनोनीत होने के 6 महीने तक, 6 महीने की अवधि जो होती है, कार्य समय होता है, ये समाप्त हो उससे पहले, यानी 6 महीने के पहले अगर वो कोई राजनीतिक दल ज्वाइन कर लेता है, तो उस सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा कि नहीं, अब आप इस सदन के सदस्य नहीं रह सकते हैं, क्योंकि तो आपने 6 महीने के अंदर अंदर ही क्या कर लिया है, राजनीतिक दल यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, नियम का उल्लंघन कर दिया है। यदि वह 6 महीने के बाद अपना स्थान ग्रहण करने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो ये भी चीजें होती हैं, अयोग्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो गई आप लोगों को कि भैया जो लोग राजनीतिक दल से चुन के आते हैं वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले अदर, तो ठीक है, निर्दलीय और मनोनीत के लिए भी ये प्रावधान यहाँ पे किया गया है, इसको भी जानते रहिए। अब दूसरा बिंदु ये आता है कि जो राजनीतिक दल होता है इनसे संबंधित विवादों पर निर्णय कौन लेता है, दल बदल संबंधी विवादों पर निर्णय कौन लेता है, ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, करंट से जुड़ा है, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि दल बदल संबंधी जो विवाद होते हैं उनसे संबंधित डिसीजन कौन लेगा। तो याद रखेगा, जिस सदन से संबंधित होगा दल बदल का विवाद, उस सदन का अध्यक्ष लेता है, कौन लेता है, उस सदन का अध्यक्ष, ये होता है, ये इसका आंसर होगा, उस सदन का अध्यक्ष जिस सदन में दल बदल संबंधी विवाद होता है उस सदन का। अब बिहार महाराष्ट्र में जब शिवसेना के विधायकों ने महाराष्ट्र ही छोड़ दिया, जाके अदर स्टेट में होटल में रुके, तो आप लोगों ने देखा होगा शिवसेना की पार्टी है जिसकी जो गठबंधन थी, इसे हम अघाड़ी पार्टी बोलते हैं, अघाड़ी के नाम से था, उन्होंने उनको मनाने की कोशिश की, जो न्यूज में सुनने को आया कि भैया तुम सीएम बन जाओ,
लेकिन शिंदे ने कहा नहीं कि जो हमारा उद्देश्य था आप उस उद्देश्य से भटक गए हैं, जो उन्होंने लांछन लगाया उन पर इस आधार पर। अब उस समय जब ये चीज़ें हुई तो उस समय सदन में बहुमत था शिवसेना का, उसके गठबंधन पार्टी अघाड़ी का अध्यक्ष भी उनका था, तो वहाँ पे अगर उस समय सदन के अध्यक्ष चाहते तो उनकी सदस्यता समाप्त कर सकते थे। तो अगर सदन के अध्यक्ष उनकी सदस्यता को समाप्त कर देते तब भी शिवसेना की जो सरकार थी, जो उद्धव ठाकरे सरकार थी, वो जा सकती थी। वो क्या हो सकती थी? जा सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, मान मनोबल किया कि भैया आ जाइए, देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। वो अंतिम दिन तक ये प्रयास करते रहे, लेकिन जब उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई तब उद्धव ठाकरे ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। इधर सरकार का गठन हुआ और उधर सदन के नए अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, और जो नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए विधानसभा के, वो इनकी पार्टी से थे, भाजपा और ये शिवसेना के जो बागी विधायक थे इनसे संबंधित थे, तो उनको हटाने का कोई चांस ही नहीं था, इनकी सरकार बन चुकी थी। अब उद्धव ठाकरे क्या किए, इस चीज़ को लेकर के कोर्ट में चले गए, कोर्ट में चले गए कि जो विधायक है इनको सदन में बैठने की अनुमति ना दी जाए। अब ये मुद्दा यहाँ से अभी अटका हुआ है, फैसला क्या आएगा, क्या होता है, उससे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो बता रहा हूँ, इसका कहने का मतलब है उस सदन का अध्यक्ष जो है उस पर डिसीजन करता है, जिस सदन का क्या होता है ये मामला होता है, ठीक है। जैसे कि अगर लोकसभा का हुआ तो लोकसभा का अध्यक्ष उसे अयोग्य घोषित कर देगा अध्यक्ष द्वारा, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए। शुरुआत में जब ये कानून बना था अध्यक्ष फैसला लेगा, तो इसके फैसले को कहा जाता था इसका फैसला जो होगा अंतिम होगा, इस फैसले को अंतिम माना जाएगा, अगर उसने कह दिया तो मामला खत्म, सदस्यता चली जाएगी, ऐसा कहा जाता था। किंतु हुआ क्या, ठीक है, किंतु हुआ क्या, नहीं नहीं संदीप गोस्वामी जी, मैंने पहले कहा भाई मनोनीत के 6 महीने के पहले और बाद में भी मेंबरशिप कैंसिल बता रहे, क्या मजाक है? नहीं नहीं नहीं, 6 महीना पहले का है, मैंने बाद में नहीं बोला, हो सकता हो उस समय फ्लो में निकल गया हो। 6 महीने पहले होता है कि अगर आप मनोनीत हो रहे हैं और 6 महीने के पहले अगर आप उसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं किसी राजनीतिक दल की, तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। हो सकता हो मैंने मेरे मुँह से निकल गया हो जल्दी जल्दी में, पहले बाद में इसलिए हो गया हो, ठीक है संदीप जी। चलिए आगे चलते हैं। तो उस सदन का अध्यक्ष क्या होगा, उसका पहला जो फैसला होता था ये अंतिम माना जाता था कि इसका फैसला जो होगा, अध्यक्ष बिल्कुल अध्यक्ष है, स्पीकर, स्पीकर को अध्यक्ष बोलते हैं लोकसभा में, तो अंतिम माना जाएगा, तथा इस पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि जो विधायकों को ये हटा देंगे कि अब आप सदस्य नहीं है, तो न्यायालय में इसके खिलाफ प्रश्न भी नहीं उठाया जाएगा। लेकिन आगे चल करके क्या कर दिया गया, इसमें एक चीज कर दिया गया कि भैया नहीं, ऐसा नहीं होगा अंत, आप निर्णय में अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या किया गया, अगर किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है, उसको अयोग्य घोषित किया जाता है, उसकी अयोग्यता संबंधित है, तो उस वो क्या होगा, वो निर्णय, उस निर्णय पर क्या होगी, अब न्यायिक समीक्षा की जाएगी। क्या की जाएगी, न्यायिक समीक्षा की जाएगी कि नहीं, जो आपने फैसला किया इन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया है, ठीक है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है, अब ऐसा आपका फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा, इस पर क्या की जाएगी, इस पर न्यायिक समीक्षा की जाएगी, ठीक है। यानी कि उसके बाद मामला तो क्या होगा, न्यायालय सदन के अध्यक्ष के फैसले की समीक्षा अब कर सकता है, और अगर फैसले में त्रुटि पाए जाने पर सुधारात्मक निर्देश दिया जा सकता है। यानी अब अगर सदन का अध्यक्ष किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करता है तो अब उसके फैसले को अंतिम निर्णय नहीं माना जाएगा। अब वो क्या करेगा, अगर ऐसा होता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा होगी, न्यायालय उसकी समीक्षा करेगा, और अगर उसके फैसले में त्रुटि पाई गई, गलती पाई गई कि आपने जो फैसला दिया है गलत है, तो उसके लिए सुधारात्मक निर्देश देने की बात जो है करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी अब ऐसा होगा। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू में बन सकता है कहीं ना कहीं, वो ये बन सकता है कि अगर मान लीजिए जब इनके सदस्य छोड़ के गए, महाराष्ट्र छोड़ के चले गए, उस समय तो सदन में थे, अगर अध्यक्ष ने इनको अयोग्य घोषित कर दिया होता तो ये विधायक न्यायालय की शरण में जा सकते थे, कहते सर न्यायिक समीक्षा की जाती, तो वहाँ पर भी अगर न्यायिक समीक्षा होती और त्रुटि पाई जाती तब मामला भी सरकार के खिलाफ जा सकता था, गड़बड़ हो सकता था।
ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के बहुत सी समस्याएं देखने को मिल रही थी, ठीक है, ये होता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो इसमें ये सब बताने का काम जो है किया गया है। अब दल बदल जो कानून होता है, इस दल बदल कानून के लाभ क्या होते हैं, इस दल बदल कानून के लाभ क्या होते हैं, दल बदल कानून के लाभ क्या होते हैं। दल बदल कानून के अगर लाभ बताएं हम कि भैया दल बदल कानून के जो लाभ होते हैं, तो लाभ क्या होगा उसके लाभ बताएं, तो इससे क्या होगा कि इससे सबसे पहली चीज आएगी, राजनीतिक संस्था जो होती है, जो पॉलिटिकल जो सोसाइटी होती है, संस्था होती है, उसमें स्थिरता बनी रहेगी। सबसे पहला चीज क्या होगा, स्थिरता बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी, स्थिरता बनी रहेगी। ये चीज़ें हो जाएंगी, सबसे पहला चीज़ तो ये होगा। अगर दल बदल नहीं करेंगे, सरकार गिरेगी नहीं, ये नहीं होगी, तो इससे क्या हो जाएगा, एक स्थिरता बनी रहेगी, नहीं सरकार फिक्स है, स्थिरता बनी रहेगी, ठीक है, ये होगा। इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं, इसके अलावा अब जो राजनीतिक दल होंगे, जितने भी राजनीतिक दल होंगे, उनको एक संवैधानिक पहचान मिली रहेगी। क्या मिली रहेगी, एक संवैधानिक पहचान मिली रहेगी, भैया चलो हमारे दल से बंदा चुनाव लड़ा है, या हमारी पार्टी बहुमत में आई है, ठीक है, हमारी पार्टी क्या बहुमत में आई है, अब बिना किसी डर के उसके सदस्य जो है उनका दल छोड़ करके नहीं चले जा सकते हैं, तो इस चीज़ को लेकर के अब हम जो है निर्भय पूर्वक काम कर सकते हैं। भाई जब सरकार बनती है, और उससे जब गठबंधन की सरकार आप बनती, उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बार देखने को मिला था, मायावती जी की पार्टी और बीजेपी की पार्टी ने आपस में गठबंधन किया था, सरकार जब बनी तो इसमें यह हुआ कि मायावती जी ने कहा कि 2.5 साल हम सीएम रहेंगे, राजनाथ सिंह जी उस समय भाजपा से गद्दावर नेता हुआ करते थे, तो कहा गया कि 2.5 साल आप रहेंगे, तो मायावती जी 2.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए जो है, 2.5 साल के लिए वो सीएम बन गई। 2.5 साल का समय जब पूरा हुआ तो मायावती जी ने कहा कि नहीं, अब आप नहीं बनेंगे, मैं ही रहूंगी, तो भाजपा ने अपना समर्थन खींच लिया और सरकार गिर गई। मुलायम सिंह जी बहुमत में आ गए, उनकी अकेली पार्टी बहुमत में थी और वो सरकार बना लिए थे। तो अगर ये दल बदल कानून अगर इस तरह से होता है, इसके लाभ ये हो जाते हैं कि अगर ये चीज़ें होती हैं, अब कोई भी आदमी, कोई भी दल निर्भीक होकर काम कर सकता है कि नहीं, अब तो भैया निडर होकर काम कर सकते हैं, अब ये दल छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक, ये बात करते हैं। अब चूंकि मुद्दा उठा है महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र विधानसभा के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत अपडेट तो होनी चाहिए, ठीक है, महाराष्ट्र विधानसभा के बारे में थोड़ा बहुत अपडेट तो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र विधानसभा की अगर विधान करें, तो महाराष्ट्र विधानसभा की अगर बात करें, तो वहाँ की जो विधायिका है, विधायिका का मतलब होता है जो विधि का निर्माण करती है, यानी जो कानून का निर्माण करती हैं, तो उसने विधानसभा की अगर हम बात करें, तो विधानसभा के अगर हम बारे में बात करें, तो वहाँ पे वर्तमान में 288 सदस्य थे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, उनसे 95 मैंने शुरू में ही बताया, शिवम कुमार जी, 288 सदस्य जो होते हैं वहाँ पे सीधे चुने आते हैं, यानी 288 सीटें, 288 सदस्य जो होते हैं वो डायरेक्ट चुने आते हैं महाराष्ट्र की विधानसभा में। कितने होते हैं, 288। अब 288 में से अगर हम बताएं आपको, तो 29 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। 29 सीटें किसके लिए हैं, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। भाई कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से कि महाराष्ट्र में उथल पुथल है, तो वो एरिया, वो स्टेट इस वक्त हाईलाइट में है, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपको। और 29 सीटें इनके लिए हैं, और 25 सीटें जो होती हैं अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, यानी जो ST हैं उनके लिए हैं ये 25 सीटें। इतनी सीटें इनके लिए रिजर्व हैं। हाँ बिल्कुल, शिवम कुमार, 288 सीटें हैं, 29 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं, और 25 सीटें जो है इनके लिए जो है ST के लिए रिजर्व है। मतलब ये इस जाति से संबंधित लोग ही वहाँ पे मेंबर हो सकते हैं। अब जो नया अपडेट हुआ है, जो रिसेंटली जो महाराष्ट्र सरकार में एक नया अपडेट देखने को मिला है, उसके बारे में जान लीजिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, पूछ सकता है। सीटों की संख्या तो आपने देख लिया, 288 ये आपने देख लिया। अब इसमें जो अपडेट है CM को लेकर के, और कौन इसका स्पीकर बना, ठीक है, कौन इसका स्पीकर बना, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो अध्यक्ष की बात करें, पहली बात तो जान लीजिए, महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष जो बने हैं राहुल
नार्वेकर साहब बने हैं। कौन बना है? राहुल नार्वेकर साहब अध्यक्ष चुने गए हैं विधानसभा में, मुंबई की महाराष्ट्र की विधानसभा में नए अध्यक्ष चुने गए हैं राहुल नार्वेकर साहब, ठीक है, याद रखिएगा। और कब से हैं? 3 जुलाई 2022 से, 3 जुलाई 2022 से, याद रखिएगा। ये क्या चुने गए हैं? अरे आज से ही क्या है, ये राहुल नार्वेकर साहब जो है विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। और याद रखिएगा अभी तक उपाध्यक्ष का पद प्रेजेंट में खाली है, ठीक है, हो सकता है शाम तक चुन लिए जाए या फिर कल चुन लिए जाए, ठीक है। सदन के नेता जो चुने गए हैं, शिंदे साहब चुने गए हैं, जिनका नाम है एकनाथ शिंदे, ठीक है। एकनाथ शिंदे साहब जो हैं सदन के नेता चुने गए हैं, या आप कह सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री पद पे आसीन हुए हैं, सदन के नेता चुने गए हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम के रूप में पदभार ग्रहण कर चुके हैं। और सदन के उपनेता चुने गए हैं वो देवेंद्र फडणवीस साहब चुने गए हैं, ठीक है। देवेंद्र फडणवीस साहब जो हैं ये क्या कहेंगे, उपनेता चुने गए हैं, यानी आप डिप्टी सीएम भी कह सकते हैं इनको। देवेंद्र फडणवीस साहब क्या चुने गए हैं? उपनेता चुने गए हैं, ठीक है, ठीक है, इस बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और विपक्ष के नेता कौन चुने जाएंगे? अभी विपक्ष के नेता का चुनाव इस समय नहीं हुआ है, ठीक है, विपक्ष के नेता का पद जो है अभी खाली है। महासचिव चुने गए हैं राजेंद्र भागवत साहब, ठीक है, राजेंद्र भागवत साहब क्या चुने गए हैं? महासचिव चुने गए हैं सदन के, याद रखिएगा। राजेंद्र भागवत साहब महासचिव चुने गए हैं महाराष्ट्र में नए, बहुत बड़ा अपडेट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो यानी अगर अब हम बात करें, यहाँ पे सरकार बन चुकी है बीजेपी संबंधित सहयोगी पार्टी की, ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो उठा पटक मच चुकी है। और जो ये सदस्य हैं शिवसेना छोड़ के जा चुके हैं, वो महाराष्ट्र के साथ सरकार बना चुके हैं, ठीक है। प्रश्न एक ये भी आपसे पूछ सकता है कि शिवसेना और शरद पवार की पार्टी ने जब मिल करके, शिवसेना और शरद पवार की पार्टी भाजपा से हैं, आर पी पांडे जी भाजपा से हैं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी से, शिवसेना और शरद पवार की पार्टी के जब गठबंधन से सरकार बनाई थी, ठीक है, गठबंधन से सरकार बनाई थी, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नाम रखा गया था महाविकास अघाड़ी। महाविकास अघाड़ी जो शरद पवार, आप नाम सुने होंगे, ठीक है, महाविकास अघाड़ी के नाम से थी। खैर चलिए आगे चलते हैं। तो अब इस तरह से यहाँ की घमासान स्थिति बन चुकी है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा की, कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट तो नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हाईलाइट में है बिहार विधानसभा की। अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ आती है सीटों की संख्या, की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। सीटों की संख्या की अगर बात करें तो बिहार में इस समय 17वीं विधानसभा चल रही है, सदस्यों की संख्या जिसमें कितनी है 243 हैं, सदस्यों की संख्या कितनी है इसमें 243 हैं प्रेजेंट टाइम में। 17वीं विधानसभा जो चल रही है इस समय एक्टिव मोड में है, इस समय 17वीं विधानसभा चल रही है। अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा साहब, भाजपा से हैं, ठीक है, विजय कुमार सिन्हा प्रेजेंट टाइम में क्या हैं, अध्यक्ष हैं, भाजपा से हैं ये, ठीक है, अध्यक्ष हैं इस समय विधानसभा के, बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं, निम्न सदन के यानी विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी साहब जो हैं इसके उपाध्यक्ष हैं, क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। जदयू से हैं, जदयू यानी नीतीश जी की पार्टी, क्योंकि बीजेपी और जदयू का आपस में गठबंधन है, तो भाजपा से क्या है अध्यक्ष हैं, और इनसे क्या है आप यहाँ पे जान सकते हैं कि ये उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी साहब जो है जदयू से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप जानते ही हैं, ठीक है, उप मुख्यमंत्री जो है तार किशोर प्रसाद, ठीक है, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, ठीक है, हैं। और 243 सीटों में जब 17वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था तो 243 विधानसभा सीटों में से राजक ने राष्ट्रीय
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी जो भाजपा और जदयू और उसकी अन्य सहयोगी पार्टियों का गठबंधन रहा है, तो गठबंधन की अगर हम बात करें तो उस गठबंधन में से राजग जो बनी, राजग यानी राजग पार्टी जो बनी, जदयू बिहार ये भाजपा और उसके जो अन्य सहयोगी पार्टियां हैं, गठबंधन की अगर हम बात करें तो उसमें जो गठबंधन हुआ तो राजग को जो टोटल मिला के सीटें मिली जो थी 125 सीटें मिली थी, यानी बहुमत से तीन ज़्यादा, इट मीन्स बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए थी। वही विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटें मिली, ठीक है, जो विपक्ष में थे वो 110 सीटें प्राप्त हुई उनको। तो मेजॉरिटी में आई राजक यानी बीजेपी जदयू संबंधित पार्टियां बहुमत में आई और उन्होंने सरकार बनाया। और राजक की भी अगर और डीपली अगर हम बात कर लें तो राजक में जो 125 सीटें थी इसमें से 74 सीटों पर जदयू ने, ठीक है, भाजपा ने 74 सीटों पर चुनाव जीता था, जदयू ने 43 सीटों पर चुनाव जीता था। उसके अलावा और जो पार्टियां हैं, विकासशील इंसाफ पार्टी ने 4 सीटों पर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 4 सीटों पर चुनाव में दर्ज की थी अपनी जीत, ठीक है, यहाँ पे हुआ था। और विपक्षी गठबंधन की अगर हम बात करें तो 75 सीटों पर राजद ने चुनाव जीता था। विपक्षी की अगर बात करें तो 75 सीटों पर राजद ने चुनाव जो है यहाँ पे जीता था। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने 19 सीटों पर भाजपा ने 12 सीटों पर माकपा दो सीटों पर चुनाव दर्ज किया था। ओवैसी ने 5 सीटों पर चुनाव दर्ज की थी। और ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिली थी, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे चुनाव सीटें हुई थी और यहाँ पे राजक जो है चुनाव जीत करके क्या हुई थी, बहुमत में आई थी। लेकिन अब ये 110 सीटें थी विपक्ष के पास में, और 4 सीटों की अगर हम बात करें, और जो निर्दलीय हम जो अन्य एक दो हैं उनकी बातें छोड़ दीजिए, 6 सीटें जो बताई जा रही हैं कि वर्तमान में 6 सीटों से बहुमत पे दूर है तेजस्वी यादव की पार्टी। तो क्या वहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है? जब सदन की बैठक चली तो वहाँ पे पहले और दूसरे दिन तेजस्वी यादव नहीं पहुँचे सदन की कार्यवाही में, और तीसरे दिन जब वो सदन की कार्यवाही में पहुँचे तो उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के 4 विधायक उनके साथ में थे, और जा करके उन्होंने सीधे उनके बारे में बात की सदन के अध्यक्ष से, वहाँ बैठक हुई और उन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन कराई, और इस तरह से सीटों की संख्या उनकी और बढ़ी, 1-2 सीटें और बढ़ चुकी थी बीच में। टोटल जो प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रही है, ठीक है, टोटल जो मैसेज देखने को मिल रही है तो वो हो गई है 116, और 122 सीटें चाहिए, यानी 6 सीटों से राजद दूर है। तो क्या एक आगे चल के राजनीतिक उलट पुलट हो सकती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पे दल बदल जो है यहाँ पे बात की गई है, कानून तो उससे किस अनुसूची में है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, उससे प्रधानमंत्री कौन थे, उसके लाभ क्या है, कैसे उनकी सदस्यता जा सकती है, हमने इनसे संबंधित सारी बातें यहाँ पे की हैं, ठीक है। चलिए आप कमेंट देख लेते हैं। रमेश यादव जी कहें एडमिशन लेना है लेकिन मैं हम साइंस से भी भरा हूँ, सोच रहा हूँ दोनों सब्जेक्ट को भरेंगे तो ज्वाइनिंग तो एक में होगी, इसे सोच रहा हूँ सोशल में फॉर्म डालूँ या नहीं, कन्फ्यूजन बहुत है दोस्त। देखिए अगर आप दोनों एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, बहुत से लोग डालते हैं दो दो विषय से, अगर आप क्रैक कर सकते हैं ठीक है, दोनों क्रैक हो गया जो आप एक इच्छा होगी एक वो ज्वाइन करिएगा, नहीं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस होगा नहीं ये मेरा सब्जेक्ट और ज़्यादा बेटर है आप उस पर पहले फोकस करिए, ठीक है। तो ये सारी बातें थी दल बदल कानून से लेकर के, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और जो भी छात्र TGT PGT LT की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत ज्वलंतशील मुद्दा है ये, TGT PGT LT की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं सिविक्स सब्जेक्ट से यानी कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सिलेबस में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, सिलेबस में आपके क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है करंट में। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इसको और भी डीपली पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप और चाहे इसको और भी जानकारी ले सकते हैं, उसको और डीपली पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन वहाँ से बनने की प्रबल संभावनाएं हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इंटरव्यू पूछे जा सकते हैं PGT में, वो जब आपके रिजल्ट आएगा तो हम उसके लिए अलग से क्लास चलाएंगे पब्लिक, आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल पहुँच जाइए हिस्ट्री पॉलिटी से, बिल्कुल दे सकते हैं आप, क्यों नहीं दे सकते। और जाने से पहले एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, जो भी छात्र TGT PGT LT की तैयारी करना चाहते हैं सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से,
एसएसटी में उनका चारों सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, सॉरी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। अगर आप चारों में से कोई भी सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर 9628-95-9237, दूसरा नंबर 8318-4892-91, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं लगता तो आप उसे व्हाट्सअप छोड़िएंगे, इस नंबर पर 96 नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप में आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ साथ अपना कोर्स लिखेंगे, कोर्स के साथ साथ आप तीसरा जो पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे एडमिशन का, आपको कॉल जाएगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, आपको पर डे लाइव क्लास मिलेगी। क्लास का टाइमिंग जो होता है 3 बजे से होता है, अनलिस्टेड क्लास चलती है, जो छात्र एडमिशन लिए होते हैं उनके लिए क्लास चलती है। साथ ही साथ प्रैक्टिस किया जाता है, प्रैक्टिस का सेट लेकर के मैं डेली, मैं प्रतिदिन, संडे को तो नहीं आज है, प्रतिदिन शाम 4 बजे, कितने बजे, शाम 4 बजे आप लोगों का टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज क्या होता है क्वेश्चंस लेकर के मैं आपके सामने आता हूँ। जैसे कल हमने डिस्कस किया था फांसीवाद और प्रजातंत्र संबंधी मुद्दों पे डिस्कस किया था, उसके पहले हम लोगों ने जो है और अन्य टॉपिक पे संविधान, मंत्री परिषद, लोकसभा, इन सभी पर डिस्कस किया था। टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आता हूँ, कल शाम 4 बजे मैं फिर लाइव रहूँगा टॉपिक वाइज क्वेश्चन के साथ। तो आपको क्लास मिलेगी, प्रैक्टिस मिलेगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा, साथ ही साथ आपको PDF नोट्स मिलेंगे जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, संस्था का नंबर 9628-95-9237 में संपर्क कर सकते हैं। अभी 70% का ऑफर चल रहा है दोस्तों, 70% ऑफ चल रहा है। अगर तैयारी करना चाहते हैं, अभी भी आप फॉर्म नहीं भर रहे तो भर दीजिए, एग्ज़ाम की डेट भी बढ़ चुकी है, एग्ज़ाम की डेट भी बढ़ चुकी है। पवन जी, किसी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप संस्था के नंबर पर वो कॉल कर सकते हैं, 2 नंबर पर कॉल करिएगा, कॉल बिजी है, एक आध दो बार ट्राई करिएगा। तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं सब्जेक्ट, कोर्स और एडमिशन लिख करके, आज लास्ट डेट थी PGD के रजिस्ट्रेशन की, आज लास्ट डेट थी 3 तारीख थी, डेट बढ़ चुकी है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 10 तारीख हो चुकी है, ठीक है। जो लोग नहीं भरे हैं वो भर सकते हैं, गीता सिंह जी मुझे टेलीग्राम का लिंक भेज दीजिए। आप ऐप पे अगर जुड़ी है तो ऐप पे जब खोलेंगे आप, वहाँ पे नीचे पेड टेलीग्राम का ऑप्शन आएगा, गीता सिंह जी नहीं आएगा तो ठीक है, हम टेलीग्राम का लिंक आपको भिजवा देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, शाम 4 बजे पब्लिक रहूँगा, क्वेश्चंस को लेकर के जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अमृता जी, फीस के लिए आप संस्था के नंबर पे कॉल कर सकती हैं, 9628-95-37 पे, ठीक है। गीता जी, टेलीग्राम का लिंक मैं भिजवाता हूँ आपको।